ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون محترم صدر انجمن حقم صاحبان مسبقهم ربي أساتذة زائران और दूर दराज से आए हुए मेहमान एग्जाम और इस समय के लोग आज के इस सालाना चावत प्रोग्राम में मेरी मौजूद है सुकून है नमाज आंखों के मोहतरम सामने लिखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में जलवा कर अल्लाह का पैगंबर लोगों को जिस दावत से सुन किया उस दावत का नाम दावत इस्लाम है इस्लाम एक ऐसे जात का निजाम का नाम है जो जिंदगी में तमाम पहले पर मर गए वो अलग जात ना अपना मुसलमान बनाए और मोमिन में शुमार करवाना चाहिए उनके अलग जरूरत है वो इस्लाम को सीधा तस्लीम करे जिस तरह के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसी तरह से किया था यानी ईमान के लिए हिदायत के लिए सत्याय की मान इसी तरह का हुआ जिस तरह का ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने लाए इन्नल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात ए लोग सुनो बेशक वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए निजात नहीं बल्कि ईमान अल्लाह का जिन्ने का मतलब है अच्छा अमल है उनके लिए निजात है और फिर अल्लाह ने अच्छा अमल की वजह से तुम पाक के अस्कार फरमाए वो अकामु सलात व अतु जका अच्छा अमल है कि नमाज अदा की और जकात अदा की याद रखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी में इस बात का तसव्वुर भी नहीं थे कि कोई बंदा मुसलमानों का नमाज का तारिक भी हो सकते हैं इस बात का तसव्वुर नहीं करते मुसलमान नमाज का तारिक भी कोई बात है बाजमात नमाज से पीछे ना रहना है हदीस पाक में आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच रखा है मेरा जी चाहता है कि साथ नमाज की जमात के लिए मैं किसी हाल को मिल जाए जा करूँ और खुद मदीने के गलियों में चक्कर लगाऊँ और देखो जो शख्स मस्जिद में आकर जमात का नशा मिला हूँ उसके घर में आप लगा मुआज्जत हाजरीन आपने इतनी सख्ती फरमाए और हदीस में आता है सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन कहते हैं मुनाफिकों का पहचान एक मोटा उछल के वजह क्या था जो सख्त सख्त नमाज में और फिदर के दिमाग में आराम था जिन्ना तुम समझते हैं या मुसलमान ही मुनाफिक थे सिर्फ पीछे रहने से लोगों का इस शख्स के बारे में निफाक का सबब हो जाता है और नमाज में हाजिर नहीं थे जिसने कभी भी नमाज ना की उसके बारे में इस्लाम में क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए के लोग याद रखो कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू